हाय फ्रेंड्स, टेंट सेटअप में आपका हृदय से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं गणेश हाउसिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, जो आपको 5 अगस्त मतलब लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 319 रुपये पे बंद हुआ है, 2.75% अप मूव। गणेश हाउसिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड ये क्या काम काज करता है वो हम देख लेते हैं। ये एक फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड है और ये पार्ट किसका है, ये पार्ट है गणेश ग्रुप फाउंडेड इन 1991 और ये स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस अराउंड अहमदाबाद बेस्ड कंपनी है। इसका हेडक्वार्टर भी अहमदाबाद में है और डेवलप किया है सोल्ड ओवर 22 स्क्वायर फीट रियल स्टेट स्पेस अराउंड 2000। तो ये फाइनेंस बेस्ड कॉरपोरेशन कंपनी है दोस्तों और लार्जेस्ट डेवलपर, वन ऑफ द मोस्ट लार्जेस्ट डेवलपर आपका कंपनी है दोस्तों। तो उस हिसाब से ये कंपनी का कामकाज ठीक ठाक है। 2660 करोड़ का आपका मार्केट कैप के आसपास है। करेंट प्राइस 319 जो 2.779 रुपीज़ में आके बंद हुआ है। हाई एंड लो 52 वीक हाई है 328 और 105, तो अपना 52 वीक हाई के बहुत पास है और ये एक हार्डल और रेजिस्टेंस पॉइंट भी है दोस्तों। PE 34 का है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय 14% जो अच्छा माना जाता है एज अ कॉरपोरेशन लिमिटेड के, और रिटर्न ऑन इक्विटी 10% है, फेस वैल्यू 10% है। तो अभी तक स्प्लिट या तो हुआ नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि देखो स्टॉक में चार्ट पे देखते ही आपको पता चल रहा है कि एक अप ट्रेंड है। यहाँ से अप लिया 250 के आसपास हुआ, फिर नीचे आया, फिर थोड़ा सा RSI और MFI लेवल टेक्निकल लेवल जब भी बूम हो जाता है तब तो उसको थोड़ा सा रिट्रेस करता है, प्रॉफिट बुकिंग आता है, फिर वो आगे बढ़ता है। तो ये स्टॉक अप मूव है दोस्तों, आप इसको लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों के लिए होल्ड करके रख सकते हो। मेरे ख्याल से ये 50 डेज DMA पे जब जब आता है उसमें एक सपोर्ट लेके फिर से एक रैली दिखाता है। कंपनी डेप्थ को रिड्यूस किया है, ये बहुत अच्छा है। गुड क्वार्टर रिजल्ट देने जा रहा है, ये भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन बुक वैल्यू से 3.37% आपका अप मूव है, उतना ज़्यादा नेगेटिव नहीं है। हैज़ डिलीवर्ड पोर सेल्स ग्रोथ लास्ट 5 ईयर में -0.95%। तो ये थोड़ा सा सोचने का है दोस्तों कि इसमें अगर शॉर्ट टर्म के लिए आप लेना चाह रहे हो तो ये स्टॉक सही है, क्योंकि ऐसे मेरे ख्याल से ऐसे स्टॉक में आपको लॉन्ग टर्म के लिए जाना नहीं चाहिए। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जिसका सेल्स ग्रोथ ही -0.95% है तो उस कंपनी में आपको मेरे ख्याल से रहना सही नहीं है। दूसरे बहुत सारे अच्छे अच्छे कंपनी है, टाटा के अच्छे कंपनी है, टाटा पावर में लगा सकते हो, अदानी के कोई भी स्टॉक में लगा सकते हो, अदानी पावर, अदानी विल्मर, तो या तो केमिकल सेक्टर गिरा हुआ है, केमिकल सेक्टर, लक्ष्मी ऑर्गेनिक, ये सब स्टॉक में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि इसमें आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो में थोड़ा सा कम है और कंपनी हैज़ ए लो रिटर्न ऑन इक्विटी -3 साल से। इसको थोड़ा निगलेक्ट किया जा सकता है क्योंकि लास्ट 3 ईयर्स में आपको पैंडमिक से गया था तो उतना ज़्यादा चला नहीं है फाइनेंस कॉर्पोरेशन, लेकिन फिर भी आपका ये एक नेगेटिव पॉइंट अच्छा खासा है। डेप्टर्स इंक्रीज 75.3 to 111 दिन में। कंपनीज कॉस्ट बोरोइंग सीम्स हाई, तो बोरो बहुत ज़्यादा कर रहा है लेकिन उतने हिसाब से सेल हो नहीं रहा है। इसके पीयर कंपनी देख सकते हो, NCC है, बाकी मैक्रोटेक, नेशनल स्टैंडर्ड्स और KNR कंस्ट्रक्शन, ये सब रियल स्टेट बेसिस कंपनी और फाइनेंस बेसिस कंपनी है। सेल्स ग्रोथ आपका जून 2022 में देख सकते हो 43, तो बहुत ज़्यादा ड्रास्टिकली कम हो गया पिछले क्वार्टर से अगर बात करें तो। एक्सपेंस भी उस हिसाब से कम हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख सकते हो कि लगभग आपका 120% कम हो गया। टैक्स भी ज़्यादा प्रोवाइड किया है और EPS में बहुत ज़्यादा कटौती है और नेट प्रॉफिट हाफ हो गया पूरा। तो ऐसे स्टॉक से थोड़ा सा शॉर्ट टर्म के लिए ये स्टॉक अच्छा है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए मैं बोलूँगा नहीं दोस्तों। लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा स्टॉक है। स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी क्या रहेगा इसका वो मैं बता रहा हूँ। प्रोमोटर का होल्डिंग अच्छा खासा है, 73 सही है, बहुत सही है। FII का भी होल्डिंग ठीक ठाक है, DII का होल्डिंग बढ़ाया है और पब्लिक का होल्डिंग, पब्लिक और प्रोमोटर के पास ही ये स्टॉक है, तो इस हिसाब से ऑपरेटर ज़्यादा मूव करेगा इस स्टॉक को और पब्लिक का होल्डिंग ज़्यादा है तो आप सोच ही सकते हो कि एक ट्रेंड में चलेगा। तो इस हिसाब से स्टॉक से थोड़ा सा दूरी रहना सही रहेगा दोस्तों।
लेकिन RSI और MFI लेवल बहुत तगड़ा है, बुलिश जस्ट हुआ ही है। तो अभी अगर कोई बाई करना चाहता है तो बाई कर सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए, स्विंग ट्रेडिंग के लिए, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए मैं बोलूँगा नहीं इस स्टॉक को आपको होल्ड करने के लिए। और 71 का स्ट्रॉन्ग टेक्निकली सपोर्ट बन गया है, जो आपको 71.9 जो लेफ्ट हैंड साइड में ऊपर दिखा रहा होगा। और RSI MFI लेवल तो बहुत तगड़ा है, और MACD लाइन भी अभी इन बुलिश इंडिकेटर कर रहा है। तो ये इसके पीछे भी एक ऑपरेटर का ही गेम होता है कि थोड़ा सा टेक्निकली सपोर्ट को लेके एक अच्छा मूव देके फंसा के फिर। लेकिन फिर भी ये स्टॉक शॉर्ट टर्म के लिए कोई पॉइंट उतना ख़राब नहीं है दोस्तों। सेल्स ग्रोथ कम हुआ है, लेकिन पैंडमिक के सिचुएशन को आपको इस स्टॉक में गिरावट आया है। तो आप शॉर्ट टर्म के लिए स्टॉक को होल्ड कर सकते हो, अपना प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो। अभी देख लेते हैं कि कैसा है। 44 लास्ट 6 ईयर्स में 44.93% रिटर्न दिया है, तो उस हिसाब से एक अप ट्रेंड में है अभी भी। और इसका हर्डल पॉइंट आ गया है दोस्तों, हर्डल पॉइंट देख लेते हैं। देखो आपका 326 में एक तगड़ा रेजिस्टेंस है, और वहीं से ये स्टॉक नीचे आया है। तो ये 326 का लेवल अगर आज या तो फिर इस हफ्ते में निकाल देता है तो फिर इसमें एक फ्रेश बाइंग पोजीशन कर सकते हो, क्योंकि ये फिर से एक अच्छा मूव देगा और 52 वीक हाई और न्यू हाई की तरफ बढ़ेगा, तब इसमें और अप ट्रेंड और ज़्यादा अच्छा बन सकता है। तो जो लोग अभी बाई करके रखे हो तो उसका होल्ड का सलाह रहेगा, क्योंकि आपका 326 अगर निकल जाता है तो बहुत एक अच्छा रेंज बाउंड, जैसे कि बहुत अच्छा वॉल्यूम आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जितना ड्राई होना था वो हो चुका है दोस्तों। तो मेरे ख्याल से एक अच्छा वॉल्यूम आएगा, और एक शानदार ब्रेकआउट के साथ 350 के लेवल आप शॉर्ट टर्म में देख सकते हो। विद इन सेप्टेम्बर आपको 350 के लेवल दिखाना चाहिए, जैसा अप ट्रेंड बना हुआ है। और अगर 350 का लेवल क्रॉस होता है तो 400 भी आने का पॉसिबिलिटी है शॉर्ट टर्म के लिए, ना के लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक में सेल्स ग्रोथ जब बढ़ेगा तब ये स्टॉक अच्छा होगा दोस्तों, और दूसरे सारे कंपनी में लगा सकते हो। तो ऐसे ही वीडियो में लाता हूँ दोस्तों, और ऐसे एनालिसिस अगर आपको चाहिए तो आप अपना वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो कि कौन सा शेयर में आपको वीडियो चाहिए, तो मैं बना के आपको अपलोड कर दूंगा। और सबसे बड़ी बात है कि सब्सक्राइब करो, जो लोग अभी भी सब्सक्राइब नहीं किए हो आप ही के चैनल ट्रेंड सेटर को।